बुधवार को भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा किया था कि 28 मार्च को अरविंद केजरीवाल कोर्ट में बड़ा खुलासा करेंगे। अरविंद जी ने मुझे एक बात और कही, इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार ली, वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं, अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहां रेड मारी, संजय सिंह जी के यहां रेड मारी, सतीन जैन जी के यहां रेड मारी, एक भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहां रेड मारी, मात 73,000 रुपये मिले, तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे, सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां, उसका सबूत भी देंगे। अरविंद जी बहुत सच्चे, देशभक्त, निडर और साहसी व्यक्ति हैं। ईडी ने केजरीवाल को भेजे थे 9 बार समन। शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पूछताछ के लिए 9 बार समन भेजा था। केजरीवाल ने 8वें समन तक का कोई जवाब नहीं दिया था और न ही वो ईडी के सामने पेश हुए थे। 17 मार्च को भेजे गए 9वें समन को केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनाव